और सेंटर मिल जाता है आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि 4.3 इंचेस की एलसीडी स्क्रीन के साथ आता है। और इसमें आपको 4 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है और 6 किलोवाट की इसमें आपको पीक पावर इस इलेक्ट्रिक स्कूटी में देखने को मिलता है। और देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफी बड़ा सा इसका बूट स्पेस मिलता है, 34 लीटर का इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाएगा। अगर चाहते हैं आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटी को फाइनेंस कराना तो लगभग आपको 4,999 रुपए के डाउन पेमेंट पे, लगभग 5,000 के डाउन पेमेंट पे ये जो गाड़ी है आसानी से यहाँ पे फाइनेंस हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने लग चुका है ओला S1X इलेक्ट्रिक स्कूटी। अभी जो गाड़ी है पहले इसमें आपको पिन कोड वाला वेरियंट मिलता था जिसमें आपको चाबी वगैरह लगाने की कहीं भी स्पेस नहीं थी, लेकिन अब ये जो गाड़ी लगी है ये चाबी के साथ आता है। अब इसे आप डायरेक्ट चाबी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लग चुका है जिसकी आज हम लोग रिव्यू करेंगे और बताएंगे इसकी ऑन रोड प्राइस, इसकी माइलेज, फीचर्स, स्पेक्स, कौन कौन से इस पे अभी दशहरे के समय डिस्काउंट मिलने वाला है ये भी बताएंगे, और आप इसे फाइनेंस कैसे करा सकते हैं, कम से कम कितना डाउन पेमेंट देना होगा, ये तमाम सारी जानकारी आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटी की इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वही आखिर तक इस वीडियो में, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ओके, तो यहाँ पे हमारे सामने है ओला S1X इलेक्ट्रिक स्कूटी। अभी जो स्कूटी है इसमें आपको कई सारे कलर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट मिल जाते हैं। ओला S1X में एक मिल जाता है आपको 4 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ, दूसरा मिलता है आपको 3 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ, और तीसरा मिल जाता है आपको 2 किलोवाट बैटरी के साथ। यहाँ पे जो हमारे सामने लग चुका है ये है 4 किलोवाट वाला, यानी कि टॉप एंड वेरिएंट है, जिसमें आपको लगभग 193 किलोमीटर तक की रेंज कंपनी क्लेम करता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में आपको लगभग 140 से 160 तक की रियल वर्ल्ड में इसकी रेंज निकल के आती है। सबसे पहले अगर बात करें इसकी चाबी की तो देख सकते हैं यहाँ पे अब आपको चाबी मिलने लगी है जो कि ओला की ब्रांडिंग के साथ आता है। और देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की नॉर्मल सा चाबी देखने को मिलती है, सेंटर लॉकिंग वगैरह इसमें नहीं मिलता है। बात करें इसकी फ्रंट लुक की तो देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी फ्रंट लुक है आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम का यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही लाइट दिया गया है। इधर मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे आप कुछ इस तरह से इसे जब लगाइएगा देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका लाइट है कुछ इस तरह से जलने वाला है। और हाई बीम लो बीम भी करके मैं आपको दिखला देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ से आप अपने कुछ इस तरह से हाई बीम लो बीम कर सकते हैं। इधर देखिएगा तो यहाँ पे मिलते हैं आपको ओला की ब्रांडिंग, और अगर आप इधर देखते हैं तो यहाँ पे आपको छोटा सा एक इसका टर्न इंडिकेटर लाइट मिलता है जो कि LED के फॉर्म में है। अब इसमें आपको डुअल टेलीस्कोपिक शॉक सस्पेंशन मिलता है, और यहाँ पे फेंडर जो है ये आपको फाइबर का मिलने वाला है। टायर की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको फ्रंट में यूरो ग्रुप की टायर मिलती है। टायर साइज की बात करें तो यहाँ पे आपको 90-90-12 का टायर यानी 12 इंच के टायर मिलते हैं, और इसमें मिल जाते हैं 130 mm के इसके ड्रम ब्रेक। यहाँ पे आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने मिलता है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटी की जो है फ्रंट लुक मिलने वाला है। साइड से देखिएगा देख सकते हैं यहाँ पे जो इसके डुअल टोन कलर है ये देखने में आपको काफ़ी खूबसूरत लगती है। साइड में देखिएगा तो यहाँ पे आपको सिंपल सा फुटपैक दिया गया है जो कि एल्युमिनियम का है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप इसे खोल सकते हैं। और इधर देखिएगा तो यहाँ पे भी पीछे तरफ आपको डुअल शॉक सस्पेंशन मिल जाता है। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको मोटर मिल जाता है जो कि इसमें आपको BLDC हब मोटर का इस्तेमाल किया गया है, और पीछे तरफ मिल जाता है आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक। और देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का ब्लैक कलर के जो है इसका रिम वगैरह कुछ इस तरह का देखने मिलेगा। पीछे के टायर की बात करें तो पीछे भी आपको यूरो ग्रिप का टायर मिलता है। टायर साइज की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 90-90-12 का टायर मिलने वाला है, और इसमें आपको 4 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है और 6 किलोवाट की इसमें आपको पीक पावर इस इलेक्ट्रिक स्कूटी में देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे मिल जाएगा आपको इसका साइड प्रोफाइल। इधर देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का ब्लैक फिनिश में इसका ग्रैब हैंडल मिल जाता है जो कि लोहे का इस्तेमाल किया गया है। और सीट देखिएगा तो यहाँ पे आपको काफ़ी कंफर्टेबल सीट मिल जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो सीट है ये काफ़ी कंफर्टेबल मिलता है। सीट को मैं आपको खोल के दिखला देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे आप अगर इधर कीजिएगा देख सकते हैं ऐसे करते हैं तो इसका जो सीट है ये खुल जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा सा इसका बूट स्पेस मिलता है, 34 लीटर का इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाएगा। इधर देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का चार्जिंग मिलता है जिसे आप लगभग चार्ज करते हैं तो लगभग आपको 7 से 7.5 घंटा लगेगा इस इलेक्ट्रिक स्कूटी को चार्ज करने के लिए। और इसी में आपको टूल्स वगैरह देख सकते हैं, फर्स्ट एड जो किट है, दवा वगैरह यहाँ पे आपको मिलता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी बूट स्पेस है आपको कुछ इस तरह का मिलेगा, और यहीं से अगर आप इधर पुश करके इधर करते हैं तो आपका जो हैंडल है यहाँ लॉक हो जाएगा, यहाँ से ऑन कर सकते हैं। इधर देखिएगा तो यहाँ पे आपको दो पॉकेट्स मिल जाते हैं जिसमें अपने सामान वगैरह रख सकते हैं, और यहाँ पे आपको एक हुक मिल जाता है जिसमें आप अपने सामान वगैरह को यहाँ पे आसानी से टांग सकते हैं। फुटबोर्ड को देखिएगा तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे आपको फुटबोर्ड मिल जाएगा, इससे आप आसानी से इसमें गैस वगैरह या गैस सिलेंडर जो होता है उसे भी लोड कर सकते हैं, पानी का जो बोतल वगैरह होता है वो भी आप यहाँ पे आसानी से रख सकते हैं। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटी में आपको सिंगल स्टैंड मिलता है, डुअल स्टैंड भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। और सेंटर मिल जाता है आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि 4.3 इंचेस की LCD स्क्रीन के साथ आता है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर इसमें मिलता है। यहाँ पर अपने स्पीड देख सकते हैं, ट्रिप देख सकते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे ऑडोमीटर मिल जाता है, आपको बैटरी का जो परसेंटेज है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे आपका जो रेंज है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कंपनी इसमें क्लेम करता है लगभग 193 किलोमीटर तक की रेंज, लेकिन आपको लगभग 150 से 160 तक की इसमें आसानी से रेंज निकल के आने वाली है। और यहाँ पे छोटा सा सेंटर में देख सकते हैं यहाँ पे आपको घड़ी भी मिल जाता है जिससे अपने
गाड़ी चलाते चलाते इसमें जो है टाइमिंग वगैरह भी देख सकते हैं। जब देखिएगा तो यहाँ पे आपको ओला की ब्रांडिंग मिल जाती है, हैंडल बार के ऊपर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम करने के लिए, यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर लाइट का स्विच मिलता है और यहाँ पे इसका हॉर्न मिल जाता है कुछ इस तरह का, यहाँ पे आपको हॉर्न का साउंड मिलेगा। इधर देखिएगा तो कुछ इस तरह का आपको ब्लैक कलर के जो इसका पीछे का जो ब्रेक है उसका लीवर मिल जाता है, फ्रंट ब्रेक का लीवर आपको इधर मिलेगा और यहाँ पे मिल जाते हैं आपको कुछ इस तरह का स्लेटर ग्रिप। इसमें आपको तीन मोड्स मिल जाते हैं, इको, स्पोर्ट एंड नॉर्मल। अपने जरूरत के हिसाब से आप यहाँ पे मोड वगैरह को चेंज करके इसे चला सकते हैं। और बात करें इस इलेक्ट्रिक स्कूटी की टॉप स्पीड की, तो यहाँ पे आपको 90 तक की टॉप स्पीड मिल जाती है और 0 से 40 मात्र 3.3 सेकंड में ये जो गाड़ी है आसानी से पकड़ लेती है। और बात करें इसकी वारंटी की, तो यहाँ पे आपको 8 साल या 80,000 किलोमीटर तक की इसमें वारंटी मिलती है और मोटर चार्जर का आपको यहाँ पे 3-3 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। अगर कीमत की बात करें तो यहाँ पे आपको एक शोरूम जो प्राइस है उस पे 7,000 रुपए तक की डिस्काउंट मिल रही है। यहाँ पे जो इसकी एक शोरूम प्राइस है 93,999 रुपए इसकी एक शोरूम प्राइस आती है। और बात करें इसकी ऑन रोड प्राइस की, तो यहाँ पे जो इसकी ऑन रोड प्राइस है हाजीपुर वैशाली बिहार में वो लगभग 1,10,933 रुपए इसकी ऑन रोड प्राइस आने वाली है। अगर चाहते हैं आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटी को फाइनेंस कराना तो लगभग आपको 4,999 रुपए के डाउन पेमेंट पे, लगभग 5,000 के डाउन पेमेंट पे ये जो गाड़ी है आसानी से यहाँ पे फाइनेंस हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं तमाम सारी जानकारी आपको इस ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी की हमारे वीडियो थ्रू मिल चुकी होगी। अगर आप चाहते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटी को लेना तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं ओला एक्सपीरियंस सेंटर हाजीपुर वैशाली बिहार। इनका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखला रहा हूँ, यहीं से आप इनसे आसानी से संपर्क कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।